पंकु परेशान हो चुका है मतलब हिचकियों से के जा रहा है आज। हम तो सोच रहे यार रोते हुए आएगा करके, तू तो हंसते हुए आ रहा है। रोते हुए आएगा, भाई को कितनी हिचकियां लगी मतलब परेशान हो गया। आंख में आंसू तेरी होली, तू परदेस मैं घर होली। ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं, और दर्दा को आपने अक्सर द हिमालयन हस्की की चैनल में देखा होगा। जय मां महाकाली दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स दीप जोशी ब्लॉग में। तो यार दगड़ियों, आज मौसम का अपडेट आपको देता हूँ। मौसम ठीक ही है, बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की धूप भी है, बारिश हो सकती है, आसार हैं, मतलब कुछ ऐसा कन्फर्म तो नहीं है। और आज संडे है तो देखो अभी कहाँ जाते हैं। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक बार मार्केट, और क्यों जा रहा हूँ आप लोगों को अभी बताऊँगा मैं आगे ब्लॉग में। और पंकू भाई दीपू भाई भी आ रहे हैं मार्केट में, और उसके बाद देखो संडे स्पेशल में हम कहाँ जाते हैं आज घूमने के लिए। और मयाली भी घर पे ही है, तबीयत वबीयत ठीक है उसकी, मम्मी अभी आई नहीं है, पुणे ही है। तो मेरी भी बीच में कल परसों में तबीयत थोड़ा ढीली चल रही थी, आज थोड़ा ठीक है मतलब पहले से। तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में कि कहाँ जा रहे हैं, अभी चलता हूँ मार्केट को, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। तो यार दगड़ियों, मयाली की आज छुट्टी, क्योंकि आज है संडे और मयाली ने बढ़िया नहा धो लिया। ये देखो गीले बालों में बैठी हुई है। बाल कैसे लगते हैं आपको? लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इधर देखो ना, फिर अच्छे लगते हैं। तो अभी मयाली नहा धो के हो गई है रेडी बिल्कुल, और यहाँ टीवी में कुछ देख रही है, डांस देख रही है। डांस सीख रही है अब? अच्छा पक्का सीख रहे हो, चलो ठीक है। और आज कौन सा सॉन्ग करेंगे हम शाम को? एक सॉन्ग करेंगे ठीक है आज, डन। पहाड़ी सॉन्ग, धना धना, ओके ठीक है। तो फाइनली गड़ियो मैं पहुंच चुका हूँ मार्केट, और अपने धनों लेके आया, और पंकु भाई भी पहुंच चुके हैं। तो यार हमारा दगड़िया बहुत अच्छा था यार आज, मतलब एक भाई चले गया हमारा, जा रहा है मतलब अभी गया नहीं अच्छे से, तो बुरा लग रहा है। अच्छा था इंसान तो अच्छा ही था, भाई रो भी रह गई, इच्छियाँ भी आ रही है। अब यार याद तो आती ही है, क्या करें, चलो आता है अभी फिर दिखाता हूँ कौन जा रहा है। तो एक भाई और पहुँच चुका है हमारा मिलने के लिए, पंकू भाई भी बैठे हुए हैं, कई हिचकियाँ आ रही हैं इसको, कई हिचकी। और ये आ गया रिप्पू, ये ए भाई पंकू परेशान हो चुका है मतलब हिचकियों से। रुक गई क्या? एक तो इंतज़ार करते करते भाई को आ रही है नींद, क्योंकि जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं वो भाई बहुत अच्छा था यार, और बहुत अच्छा इंसान है जो हमें छोड़ के जा रहा है आज। दीपू को छोड़ के जा रहा है, पंकू को छोड़ के जा रहा है, मुझे भी छोड़ के जा रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा है हमें छोड़ के। बाकी देखो क्या कहता है, अभी देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है, मतलब आंखों में आंसू होते हैं यार, खुशी खुशी जा रहा है, पता नहीं क्या है। तो यार दगड़ियों बहुत देर के इंतजार के बाद हमारा भाई पहुंच चुका है, जो हमें छोड़ के जा रहा है, जो हमें छोड़ जा रहा है आज। हम तो सोच रहे यार रोते हुए आएगा करके, तू तो हंसते हुए आ रहा है, रोते हुए आएगा, भाई को कितनी हिचकियां लगी मतलब परेशान हो गया, परेशान हो गया भाई वहाँ हिचकियों से। तो यार दगड़ियो मैं कह रहा था आप लोगों को कि कोई भाई हमें छोड़ के जा रहा है, और यही है वो जो हमें छोड़ के जा रहा है आज साल। दो महीने का संघर्ष है, बाकी फिर वही आ रहे हैं। लाइट भी आ गई, ले 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 मेरी बना, मेरी बना, ले 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 ले, इसको तो जान दे, इसको दबा दे, पेट भी है इसका। भाई जा रहा है हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है, तो बहुत बहुत बधाई है। अबे साले यार मूली बंद मत छोड़ना वहां, एड़ा बंद मत लटकना, आओ भाई लोग बाहर, चलो बाहर छोड़ के आ। तिल्ले गाना याद किया था यार, भूल गया, अभी तक वही याद कर रहा था। आराम से आराम से। आंख में आंसू तेरी होली, तू परदेस मैं घर होली, गुट गुट मैं के बाटूली लगाए। पंकु को लगा रहे थे अभी तक। पंकु ने तो बढ़िया नींद भी निकाल ली एक। तो
छोड़ाते हैं विजय भाई को, जा जी ले अपनी जिंदगी यार भाई। भाई को इतनी खुशी है ना जान निकलने की यहाँ से। इतनी खुशी हो रही निकलने की, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही आगरा। जैसा वो नहीं कहते टोटका कर रखा हुआ भाई ये। ओह ठीक छाई, विजय सर जा रहे हैं, मिलके तो जाओ, जा रहे हैं यहाँ से मिलके जाओ, हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है बेटा। ए दर्दा यो चाहिए सच्ची में लाग रही हो तो भाई जा रहा है हमारा उसमें ग्रैंड विटारा 70-20 में जा रहा है, देख लो गाड़ी आड़ी कहीं मिलेगी तो रास्ते में। ट्रायल बेस पे भेज रहे हैं अभी उसको हम। कोई नहीं, वापसी में भी ऐसे ब्लॉग बनाऊंगा भाई, आ गया हमारा। तो इस गाड़ी का नंबर, इस नंबर की गाड़ी हल्द्वानी में दिखेगी तो अपना भाई होगा उसमें, देख लेना। चल फिर निकल ले। चल फिर यहाँ है, यहाँ चल फिर निकल। हाँ चल भी निकल ले बेटा, निकल ले, निकल ले, चल चल चल। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, गाड़ी पीछे जा रही है, आगे चलाओ, चलो चलो। तो अब आप विजय भाई को विदा करके हम लोग आ गए हैं, मतलब पंकु तो घर जा रहे हैं, दीपूवर में आ गए हैं अपने डेली की लोकेशन की वैलेंस पर, और विजय भाई हल्द्वानी शिफ्ट हो गए आज। तो बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि भाई नहीं शुरुआत करने निकला है पिथौरागढ़ से। तो चलो ऑल द बेस्ट भाई को, तो अब देखते हैं, अभी हम शाम को बाहर निकलते हैं, बाकी थोड़ी देर तो यही रहूँगा मैं, उसके बाद निकलेंगे, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यार गाड़ी आज थोड़ा माहौल गम वाला था, क्योंकि हमारे भाई एक चले गए शहर छोड़ के, तो इसी बीच मतलब थोड़ा गम को खुशी में बदलने के लिए हमारे बीच हमारे बहुत पुराने दादा आए हैं, तो इनसे मिलाता हूँ आपको। ये हैं, हेलो तीर्था, आज आज तो चमक रहे हो यार गजब, और टी शर्ट भी देखो बिल्कुल रॉक वाली पहन के आए हैं। अरे हमारा प्यार तो यार हमेशा ही हुआ, बाकी एक भाई तो चले गया शहर ही छोड़ दिया अगले ने ना, मतलब इतना हमने प्रताड़ित कर दिया था उसको कि शहर ही छोड़ दिया अगले ने। हम कहना चाह रहे कि अच्छा ही हुआ चले गया, मतलब ना भाई चले गया बढ़िया हो रहा है, लेकिन क्या करे भाई हुआ अपना कहना पड़ता है कभी कभी यार। आ जाओ वापिस कहेंगे हम एक आध महीने में, फिर वापसी करता है बैग एक पकड़ के वापिस आते हैं। तो यार गड़ियो हमारे जाने माने एक दर्दा मिले तो विजय सर की आज में दर्दा दो शब्द कहना चाहते हैं, कैसा कैसे थे हमारे विजय सर, क्या कहना चाहोगे? ये कह रहे हैं बीस सर फेंक दिया घाट पर साफ करते, अब ऐसी बात कर रहे हैं। और दर्दा को आपने अक्सर द हिमालयन हस्की चैनल में देखा होगा, द हिमालयन हस्की के चैनल में आपने देखा होगा दर्दा को। दर्दा हमारे बहुत मतलब अच्छे आदमी हैं, और मज़ा आ जाता है दर्दा के साथ बात करके, काफ़ी मतलब हसमुख मिजाज के हैं, चाहे कितना ही कैसे ही हों मतलब, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं दर्दा। है दर्दा क्यों, दो दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी काटनी है क्यों? पे दो दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी काटनी है, दर्दा भी यही कहता है। तो आप लोग भी चले फिर क्या करते हो खाना खा के पैसे कमा पे इस चीज के लिए कमा रहे हो? रात भरी निंद्रा छैना आंखा झिमी झिमी। मुझे जाना था शोभी भाई के यहाँ, तो बाल बाल कटवाने, तो अभी मैं निकल रहा हूँ शोभी भाई के यहाँ को, दीपू यहीं पर स्नूकर वाले लड़के आए हैं तो देख रहा है, अभी थोड़ी देर में आएगा वो, तब तक मैं जाता हूँ बाल बाल कटाता हूँ। तो यहाँ पर खड़ी है दीपू की धन्नो और मेरी धन्नो, दोनों की धन्नो पकड़ता हूँ, चलता हूँ शोभी भाई के यहाँ को। अरे गाड़ी में पहुँच चुका हूँ शोभी भाई के यहाँ पर, ये है शोभी भाई का, देख सकते हैं नूरी फैमिली सलून करके, और शोभी भाई अंदर। हेलो क्या हो रही, और अपना छोटा भाई, हेलो क्या हो रही, बढ़िया बढ़िया। तो अभी यहाँ पर अब कटा दें बाल, बढ़िया। तो गाड़ी जिसको भी पिथौरागढ़ में यार अच्छे बाल चाहिए, मतलब बालों की ग्रोथ अच्छी चाहिए, और बाल अच्छे सेट वगैरह, जैसे आजकल नई स्टाइल चलती है, तो अगर वैसे वाले बाल चाहिए तो मतलब शोभी भाई के यहाँ पर आ सकते हैं।
काफी अच्छा। हम बहुत मतलब बहुत साल पुराने कस्टमर है सुबह के। पहले सिलथाम के पास में महिला हॉस्पिटल के पास में काटते थे, आजकल अब राजा होटल के पास में है, टकाना रोड में राजा होटल के पास में, नूरी फैमिली सलून करके इनका दिख जाएगा आपको, दुकान यहाँ पर दिख जाएगी। और काफ़ी मेहनत से काटते हैं, ये नहीं कि मतलब जल्दीबाजी में निपटाओ निपटू, बढ़िया एक एक की कटिंग करने में लगभग एक घंटा तो मान के चलो, मतलब तभी एक घंटे पहले फ़ोन करना पड़ता है कि सोई भाई आ जाए, अगर खाली हो तो बताओ, हाँ तब तब आते हम, वो तब बन पाते हैं हमारे पास। तो देख सकते हैं ऐसी व्यवस्था भी की जाती है, अगर जाड़ा हो गया तो चाय की व्यवस्था, और अगर गर्म हो गया तो ठंडे चिल्ड पानी की व्यवस्था। तो लकड़ी उतार दिया चश्मा, अब मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोग देखो भैया ये सर में चंपी हम पे चल रही है मेरी, है बाल तो सर के इन्होंने उखाड़ दिए पूरे, इन्होंने क्या उखाड़े, प्रगति ने उखाड़ दिए हैं वो तो। पैसा बहुत है भाई के पास, बाल गिरने में पैसा कहाँ है यार सोई भाई, पैसा होता तो पूरे टकले होते हैं बताता हूँ मैं तो ज़बरदस्ती। अब देखो बढ़िया मालिश चल रही है, ये पता नहीं कौन सी कट बनाते हैं आज, बनने के बाद ही पता चलेगा। अभी शुरू करें फिर, चलो देखो बढ़िया क्लिप, पता नहीं कौन सी क्लिप लगाते हैं यार, ये देखो ये पूरे बालों को मतलब सेट शूट करके, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो तो दगड़ियो यार, जैसे बाल चिमटे इमटे लगे सर में ये, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लाइट ही चलेगी, मतलब लाइट वाले भी चाह रहे हैं कि मेरे बाल ना कटे। और ये देखो ये देखो ये देखो मिस कॉल चल रहा है, ये देखो पता नहीं क्या आया, ये लाइट आई क्या, अच्छा ये तो वाली इमरजेंसी वाली आई। तो यार अब थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, तब तक ये चिमटे चिमटे लगा रखे हैं देखो सर में, उसके बाद कटाते हैं बाल। दगड़ियो लाइट हाइट तो नहीं आई, लेकिन अपना एक भाई आ गया है, मतलब लाइट की जगह में अपना एक भाई आ गया। देखो ये है हमारे रोमी यादव, और देखो ONGC से प्रमाणित है ये ये और ये भावराग ताल नाट्य अकादमी के मैनेजर आजकल क्यूट हो गया यार भाई, शादी कर ले अब, पतला हो गया ना भाई, पतला तो हो ही गया, ठीक ही है। तो ये रोमी भाई, अगर किसी को थिएटर से रिलेटेड कुछ सीखना है तो रोमी भाई से संपर्क कर सकते हैं, लंदन फोर्ट में हमारे पिथौरागढ़ का सोर गढ़ का किला है जो उसमें बैठते हैं, ये वहाँ मिल जाएंगे आपको, देख लो गौर से देखो इस आदमी को। तो बहुत देर के इंतजार के बाद आ चुकी है लाइट, और अब यहाँ पर सोई भाई मेरे बाल काटेंगे। तो मेरे कट चुके हैं बाल, कुछ आज थोड़े छोटे कर दिए क्योंकि बाल बहुत गिर रहे हैं मेरे, तो इस वजह से आज छोटे कर दिए बाल। और यहाँ पर हमारे मेघनाथ के करेक्टर भी आए हुए हैं, ये देखो मेघनाथ का करेक्टर, ये वही है दगड़ियो जो अभी तक जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, थिएटर आर्टिस्ट रोमी यादव इसके पीछे है, पर्दे के पीछे देखो ये अभी बना हुआ है, मेघनाथ का किरदार निभा रहा है इस बार, ये तो रामला की तालीम चल रही है अभी इसकी, जरा मुखड़ा तो दिखाओ तो फाइनली दगड़ियों में पहुंच गया हूँ घर, और बाल आज कुछ ज़्यादा ही छोटे कर दिए मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयरफॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब बाल बहुत पतले हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने बहुत छोटे कर दिए इस बार। और यह है मयाली जी आजकल अभी ये गिटार वगैरह निकाल दिया है इसने, तो अभी थोड़ी देर में अब हम आज भी एक शूट करेंगे अभी गाना। तो मयाली तैयार हो? हाँ। पक्का? हाँ। डन? हाँ। पक्का? चलो ठीक है फिर अभी बनाएंगे वीडियो। तो अब करता हूँ ब्लॉग को एंड, ब्लॉग को करता हूँ एडिट, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे और देखते रहे मेरे ब्लॉग्स दीप जोशी ब्लॉग में। बाय बाय।